हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा फूडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमारे चाय छानने वाली छन्नी ज़्यादा दिनों तक यूज करने के बाद बहुत गंदा हो जाता है, जिससे चाय भी अच्छी तरह से नहीं छन पाती है और जिससे हम लोग फेंक देते हैं या जिसे हम लोग का मन करता है कि फेंक दूँ, ये किसी काम का नहीं है और बिल्कुल फेंकने लायक हो जाता है और हम लोग फेंक भी देते हैं। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जो ट्रिक यूज करके हम लोग अपना चाय का छन्नी या कोई भी छन्नी आज के बाद फेंकेंगे नहीं। आज मैं एक चीज़ को यूज करके अपनी चाय छानने वाली छन्नी को बिल्कुल नया बनाने वाली हूँ। ऐसा हमारा छन्नी हो जाएगा मानो हम बाजार से अभी भी खरीद के लाए हैं। ऐसा दिखने लगेगा हमारा छन्नी, लग रहा है ना कि अभी अभी हम बाजार से खरीद के लाए हैं ये छन्नी। चलिए हम छन्नी को साफ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर पानी गर्म करने के लिए बैठा देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और पानी को उबलने देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हम लोग अक्सर केक बनाने या बहुत सारे खाना बनाने में यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा डालकर इसमें छन्नी को डाल देंगे और बॉयल होने देंगे। फिर इसमें थोड़ा डिश वाशर डाल देंगे और दोनों चीजों को डालकर 10 मिनट के करीब बॉयल होने देंगे और छन्नी को पूरी तरह से पानी में डिप कर लेंगे, यानी छन्नी पूरी तरह से पानी में डुबा कर रखेंगे। और अब 10 मिनट हो चुके हैं पानी को बॉयल होते हुए। अब हम छन्नी को पानी से निकाल लेंगे एक प्लेट या थाली में, इसे रख लेंगे और एक ब्रश लेंगे और प्लेट में थोड़ा सा डिशवाशर लेंगे और एक ब्रश लेंगे और ब्रश में डिशवाशर लगा लेंगे। फिर छन्नी को ब्रश की सहायता से छन्नी को रगड़ेंगे और जब तक कि छन्नी पूरी तरह से साफ ना हो जाए। यानी छन्नी का गंदगी पूरी तरह से निकल ना जाए, इस तरह से रगड़ेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना गंदगी निकल रहा है, चारों तरफ से घुमा घुमा कर ब्रश से छन्नी को रगड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना काला काला गंदगी हमारा प्लेट में गिर रहा है। हमारी छन्नी बहुत पुरानी थी इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रहा है। और अब हम एक बार इसे धोकर चेक कर लेंगे कि हमारी छन्नी की गंदगी निकली कि नहीं। और अब हम एक बार इसे साफ पानी से धोकर चेक कर लेंगे कि छन्नी की गंदगी निकला कि नहीं, यानी छन्नी पूरी तरह से साफ हुई कि नहीं। और कितना साफ हो गया है, लग रहा है ना कि बिल्कुल आज ही बाजार से खरीद कर लाए हैं ये छन्नी। तो कभी भी आपको छन्नी साफ करना हो तो ऐसे ही साफ कीजिए, इसी ट्रिक से आपकी छन्नी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। आप देखें ना कि हमारा छन्नी कितना गंदा था, कि मेरा छन्नी कितना गंदा था और कितना ज़्यादा साफ हो गया है, बिल्कुल नया जैसा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर हम एक इसी तरह की यूजफुल वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।